रामेश्वर उरांव के बयान से झारखंड में सियासी बवंडर, बिहारी मारवाड़ी वाले बयान पर बुरी तरह घिर गए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। विपक्ष के साथ अपनी ही पार्टी के भीतर हो रहा तीखा विरोध। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड में एक नया सियासी बवंडर पैदा हो गया है। ये बवंडर राज्य के वित्त मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के उस बयान पर खड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने बिहारी मारवाड़ी को झारखंड के आदिवासियों का शोषक करार दिया है। हालांकि बवाल बढ़ने पर डॉक्टर उरांव ने सफाई दी है कि उनके बयान का गलत अर्थ लगाया गया है, लेकिन इससे काम चलता नहीं दिख रहा है। एक तरफ जहां विपक्षी भाजपा ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वहीं कांग्रेस के विधायकों और नेताओं कार्यकर्ताओं ने भी इसका विरोध किया है। यहां तक कि झारखंड कांग्रेस ने खुद को इस बयान से अलग कर लिया है, लेकिन आम लोगों की नजर में ये सब कांग्रेस के डैमेज कंट्रोल का हिस्सा है। उधर राज्य में सत्तारूढ़ झामुमो कांग्रेस रोजत के गठबंधन के भीतर भी इस बयान को लेकर पसोपेश की स्थिति है, क्योंकि ये बयान किसी और का नहीं बल्कि राज्य कैबिनेट में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मंत्री का है। झामुमो की ओर से हालांकि इस बयान पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन समझा जा रहा है कि झामुमो नेतृत्व इस मुद्दे पर कांग्रेस आलाकमान से बात करेगा। कांग्रेस आलाकमान ने इस बयान को गंभीरता से लिया है और जल्दी ही इस पर प्रतिक्रिया जारी की जाएगी। डॉक्टर उरांव जैसे अनुभवी और संवेदनशील राजनेता से इस तरह के बयान की उम्मीद किसी को नहीं थी, इसलिए विवाद भी बड़ा हो गया। डॉक्टर उरांव के बयान के सियासी मायनों का विश्लेषण करती आजाद सिपाही ब्यूरो की विशेष रिपोर्ट। झारखंड सरकार में नंबर 2 की हैसियत के मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बिहारी मारवाड़ी के बारे में बयान देकर जो सियासी तूफान खड़ा किया है, वो हर दिन जोर पकड़ता जा रहा है। सरकार को घेरने की ताक में बैठी भाजपा को बैठे बिठाए एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिसका इस्तेमाल वो लंबे समय तक कर सकती है। इतना ही नहीं, कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे सिंह ने डॉक्टर उरांव के बयान का सार्वजनिक विरोध किया है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने खुद को इस बयान से अलग कर लिया है। झारखंड कांग्रेस के कई नेताओं ने निजी तौर पर कहा है कि उन्हें डॉक्टर उरांव के इस तरह के बयान की कतई उम्मीद नहीं थी। हकीकत भी यही है कि झारखंड के लोगों को डॉक्टर उरांव जैसे गंभीर और अनुभवी नेता से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं थी। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब डॉक्टर उरांव को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी गई थी, तब उनके राजनीतिक करियर और व्यापक प्रशासनिक राजनीतिक अनुभव की खूब चर्चा हुई थी। डॉक्टर उरांव की छवि वैसे भी एक गंभीर और संवेदनशील राजनेता की रही है। भारतीय पुलिस सेवा से सक्रिय राजनीति में आए डॉक्टर उरांव ने कांग्रेस को झारखंड में न केवल दोबारा स्थापित किया बल्कि विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी सफलता भी दिलाई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के करीबी डॉक्टर उरांव की गंभीरता पर कभी किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन 2 दिन पहले दिए गए बयान ने उनके पूरे राजनीतिक करियर पर दाग लगा दिया है। हालांकि डॉक्टर उरांव ने सफाई देते हुए कहा है कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है, लेकिन उनकी खुद की छवि और कांग्रेस को जितना नुकसान होना था वो हो चुका है। दिसंबर 2019 में सत्ता में आने के बाद से ये पहला मौका है जब झारखंड के सत्तारूढ़ गठबंधन में हलचल दिखाई दे रही है। झारखंड कांग्रेस की ओर से इससे पहले कभी भी गठबंधन के लिए समस्या पैदा नहीं की गई थी, लेकिन इस बार झामुमो भी पसोपेश में है। जानकारी मिली है कि झामुमो नेतृत्व इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस आलाकमान से बात करने वाला है। उधर कांग्रेस आलाकमान भी इस बयान को लेकर गंभीर हो गया है। झारखंड कांग्रेस का डॉक्टर रामेश्वर उरांव विरोधी खेमा इस बयान को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की ताक में है, ताकि आलाकमान पर किसी कार्रवाई के लिए दबाव बनाया जा सके।
झारखंड में बाहरी लोगों के बसने का मुद्दा हमेशा से संवेदनशील रहा है। कई आदिवासी नेता इस मुद्दे को बाहरी भीतरी का रूप देकर राजनीतिक ऊंचाई हासिल कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस को चिंता इस बात की है कि यदि डॉक्टर उरांव के बयान को मुद्दा बनाया गया तो उसे इसका बड़ा सियासी नुकसान होगा। झारखंड में रहने वाले बिहारी और मारवाड़ी समुदाय के लोगों में अधिकांश या तो भाजपा को वोट देते हैं या कांग्रेस को। ऐसे में यदि कांग्रेस आदिवासी राजनीति पर ध्यान केंद्रित करती है तो उसे बिहारी मारवाड़ी वोट से वंचित होना पड़ेगा। इसलिए उसकी पहली चिंता इस संवेदनशील मुद्दे को नेपथ्य में रखने की है। दूसरी तरफ भाजपा को पहली बार एक ऐसा मुद्दा मिला है जिसके सहारे वो कांग्रेस और सत्तारूढ़ गठबंधन को घेर सकती है। जहां तक डॉक्टर रामेश्वर उरांव की नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता का सवाल है तो इस पर किसी को संदेह नहीं है। उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर पिछले एक साल में शानदार काम किया है और कई जटिल मुद्दों को सुलझाया है। आपसी समन्वय और सहयोग के साथ सरकार चलाने में भी उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया है। राज्य की बदहाल आर्थिक स्थिति को उन्होंने अपने अनुभव और सूझबूझ से संभाला है। पिछले एक साल के दौरान उनके द्वारा लिए गए कई फैसलों की देश भर में सराहना हुई है। ऐसे में उनका ये बयान सरकार और कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाता है ये देखने वाली बात होगी। अब तक न तो झामुमो और न ही कांग्रेस आलाकमान की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी सामने आई है, लेकिन डॉक्टर उरांव के बयान ने लंबे समय से झारखंड में पसरी सियासी शांति को भंग जरूर कर दिया है। आने वाले समय में इसका असर दिखेगा, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।